चार महीने का पेमेंट बाकी पड़ा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा नरेगा के पैसे जो वो टाइम बाय मिले, वो नरेगा स्कीम चले, गरीबों के लिए हम भूखे मर जाएंगे और हम दिव्यांग लोग, हमारा रोजगार यही है और इस रोजगार में मजदूरी हमारा सारा इस पे चल रहा है। घर जो काम पे जाता है सर उसका तो पैसा पूरा होना चाहिए ना। मैं काम पे जा रहा हूँ, मैंने किया, मुझे 15 दिन में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये क्या करते हैं, 6-6 महीने रोजगार नहीं देते हैं सर। तो हम मजदूरी नहीं करें, मजदूर घर बैठ जाए? जो मजदूरी की है उसने उसका पैसा तो मिलना चाहिए नहीं? हम मजदूरी के हक के लिए हैं सर। आई बार निकादे हैं काम मिलेगा, काम मिलेगा, काम तो मिलता नहीं और ना पैसे आंदे जी टाइम का। हूँ राशन पेट भर देगा सर की तो ये करना। 280 में क्या बनेगा जी? कुछ नहीं बनता जी, सब दिन काम करते हैं। ये काम चाहिए, काम आओगे जी भी तो पीछे आओगे, बिना काम के कैसे पैसे आएंगे? 1000 रुपए का 1100 रुपए का सिलेंडर है, कहाँ फ्री में दे दिया? झूठ बोल रहे सर, काम सारी झूठ बोल रही है। ये तो आने ही नहीं चाहिए, ये आ गया सारा मल्टीमेट हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर देश भर के जो मजदूर हैं वो आज जंतर मंतर पर जमा हुए हैं, सामने भाषण चल रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देश भर के जो मजदूर हैं वो आज जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। और इनके जमा होने की वजह क्या है वो भी बताऊंगा। जिस तरीके से 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उसने नरेगा को कहा था कि ये गड्ढा खोदने की एक स्कीम है, बाद में उसको रिज्यूम करना पड़ा और फिर उसको चालू करना पड़ा, जिसके बाद कई जो भारतवासियों को रोजगार दिया गया। अभी संसद में सरकार ने आंकड़ा पेश किया है कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन खिलाया था। इसकी वजह क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में रोजगार नहीं था। इसके अलावा जिस तरीके से सरकार संसद में आंकड़े पेश कर रही है उससे साफ अंदाजा होता है कि आज भारत में रोजगार की कितनी कमी है। हमारे साथ मेहमान से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आज दिल्ली में क्यों मजदूरों को जमा होना पड़ा, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है। पहली वजह है कि मतलब नरेगा के जो मतलब उसमें 15 दिन के अंदर उनको भुगतान होना चाहिए। हाँ। वो जो नरेगा के हक में जो लिखा हुआ है 8 दिन तक उनको उनका मिला नहीं है, उनका पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। दूसरा, सरकार ने जो ऐप चालू कर दिया है जो मतलब आप ये कि सरकारी कर्मचारियों को भी फिर आप मतलब वो लीजिए ऑनलाइन हाजिरी लेके फिर काम करवाइए, क्योंकि मजदूर इतना काम करते हैं उनके बाद वो बहुत परेशान होते हैं। ऐप के बाद बहुत ही परेशानी आई है उनको, कभी मतलब पूरा जैसे नरेगा एक टास्क बाउंड पे भी और टाइम बाउंड पे भी है। टास्क बाउंड ये है कि मतलब आप पूरा काम करके घर पे जाओ, लेकिन इस ऑनलाइन ऐप की वजह से उनको घर पे रुकना पड़ा, मतलब वहाँ पे साइड पे रुकना पड़ता है। सरकार ने बोल दिया कि 2 हाजिरी और होना अनिवार्य है, तो मतलब उनका 2 हाजिरी होना के लिए उनको रुकना भी पड़ता है। तो ये बहुत ही मतलब नरेगा में ऐप चला के बहुत ही खराब काम किया है। दूसरा है कि सरकार ने बोला है कि मतलब हमको टाइम टू टाइम काम देंगे, लेकिन मजदूरी बढ़ती जा रही है और नहीं, जो क्या नाम है मजदूरी है वो तो वही की वही है और महंगाई जो दर पर दर बढ़ती जा रही है। तो महंगाई के हिसाब से और श्रमिकों के जो कानून है उनका भी मतलब मतलब हनन हुआ है, तो इसके लिए लोग आए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो अभी जो तनख्वाह मिलती है मनरेगा में, जो पैसा मिलता है वो कितना मिल रहा है? राजस्थान में मजदूरी 231 मिलती है पूरे दिन का। हाँ, पूरे दिन का, ये महीने का। हाँ? महीने का या एक दिन का मजदूरी? एक दिन का 231 रुपए, वो भी पूरा काम करती है। तो और भी लोग हमसे बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? बाड़मेर से आया हूँ मैं, राजस्थान, कलाराम बिश्नोई। मैं दिव्यांग हूँ, मैं बाड़मेर से आया हूँ और हमारा वहाँ नरेगा के लिए 231 रुपया सरकारी रेट है, परंतु तो हमारे को 100 रुपये तक मिलते हैं और वो भी 4 महीने से बकाए पड़े हैं। और कार्ड है मनरेगा? हाँ, मनरेगा कार्ड बना, जॉब कार्ड बनाया हुआ है हमारा, तो उसके 100 रुपया उसमें ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच जनप्रतिनिधि उनके कमीशन है वहाँ, वो अगर आप ज़्यादा काम उनका हमारे को इतना पैसा दोगे तो 231 पूरा कर, तो कमीशन हम देते नहीं है, वो कमीशन मांगते हैं, आधा पैसा कमीशन में जाता है।
जब हमारा वहाँ तेल और रिफाइनरी लिंकती है, कोयला सारा देश में जाता है और इनकम टैक्स है और वही हमारा चार महीने का पेमेंट बाकी पड़ा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा नरेगा के पैसे जो वो टाइम बाय मिले, वो नरेगा स्कीम चले, गरीबों के लिए हम भूखे मर जाएंगे और हम दिव्यांग लोग, हमारा रोजगार यही है और इस रोजगार में मजदूरी हमारा सारा इस पर चल रहा है घर, तो वही 100 दिन का मिलता है उसमें, तो ये उसमें भी पैसे नहीं आ रहे हमारी, अब हमारी जमीन नीचे से खिसक रही है कि हम क्या करें आगे और कैसे काम करेंगे और कैसे बच्चों को, बीवी बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे खाना खिलाएंगे, ये हमारी स्थिति बनी हुई है और हमारे वहीं तेल निकल रहा है और कोयले निकल रहे, सारा देश उनको टैक्स दे रहा है और उसी जमीन में हम बैठे और वो हमारा पेमेंट पूरा नहीं हो रहा है और उसके में एजेंट होते हैं, एजेंट आगे बिचौली होते हैं, वो इसमें खा जाते हैं और हमारे को 100 रुपया प्रति डे के हिसाब से मिलते हैं और अभी कितने महीनों से नहीं मिला आपको? ये 4 महीने से हमारा पेमेंट बाकी पड़ा, अभी आया नहीं खाते में और हम इंतजार करें हमारे बच्चों को फीस का दे कपड़े सिलाने के लिए, उसी पर निर्भर हम और हम दिव्यांगों के पास दूसरा कोई काम है नहीं और हमारी मजदूरी वहाँ ऐसी स्थिति है और ये पूरा हमारा बाड़मेर जिला है जो तेल क्षेत्र इलाका है और सारी भूखे मरने की स्थिति कगार पे खड़ा हुआ है, ये मांग करने आया दिल्ली आए यहाँ। तो सर क्या नाम है आपका? जगशीर सिंह, राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से आपका भी मनरेगा कार्ड? जी सर। तो क्या दिक्कत आ रही है सर? मनरेगा में क्या है, मनरेगा का जो एक्ट है उसमें और आज धरातल पे हो रहा है, उसमें आसमान और धरती का फर्क है साहब, धरती आसमान का फर्क है, क्योंकि नरेगा के एक्ट के अंदर तो ये दिया गया है कि आपको 231 रुपये मजदूरी मिलेगी, लेकिन सर मैंने जहाँ तक देखा हमें आज तक 231 रुपये कभी मजदूरी नहीं मिली है पर डे की जो है, राजस्थान में या पूरे भारत का जो एक्ट है नरेगा का वो ये कहता है कि 231 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन आज तक कभी किसी को मिला नहीं है। दूसरी बात ये है सर, उसमें 15 दिन का है कि जिस दिन आपने आवेदन किया उसे 15 दिन के अंदर आपको रोज़गार मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं या जो उनके मेट हैं, उनका क्या तरह एजेंट कह सकते हैं, वो लोग उनके क्या हमें आवेदन भरना होता है, 6 नंबर पर पत्र होता है, वो उसकी रिसिप्ट ही नहीं देते हैं मजदूर को। तो सर ये जो दिक्कत है, समस्या है, ये तो ग्राम प्रधान जो होता है, जैसे मान लीजिए जो लोग होते हैं वो खुद सेटिंग कर लेते हैं कि भाई हमारा नाम लिखवा दो, मैं काम पे नहीं आऊँगा, आधा तुम रखो आधा हम रखते हैं। जो काम पे जाता है सर उसका तो पैसा पूरा होना चाहिए ना, मैं काम पे जा रहा हूँ मैंने किया, मुझे 15 दिन में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं 6-6 महीने रोजगार नहीं देते हैं सर, फार्म भैया भरवाया रख लेते हैं और अगर किसी को रोजगार भत्ते के लिए होता है तो सर आज तक किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। मैं राजस्थान से हूँ, पूरे राजस्थान में आज तक एक भी बंदा कोई गवर्नमेंट सबूत कर दे कि हमने इसको बेरोजगारी का भत्ता दिया है, जबकि उसका एक्ट ये कहता है कि अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो सरकार उसको बेरोजगारी का भत्ता देगी, लेकिन पूरे राजस्थान में आज तक सर एक को भी ऐसा नहीं मिला है। सरकार संसद में कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दे रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है जब सर वो सरकार दे ही रही है? तो हम मजदूरी नहीं करें, मजदूर घर बैठ जाए, जो मजदूरी की है उसने उसका पैसा तो मिलना चाहिए, नहीं मिला, हम मजदूरी के हक के लिए हैं सर, वो फैसिलिटी जो आप कह रहे हो वो एक अलग चीज़ है, मतलब सही है वो? हाँ वो सही है, मजदूरी के लिए जो दे रही है गरीब आदमियों के लिए, गैस है, राशन है, दाल है, चावल है, जो भी है अच्छी स्कीमें हैं, स्कीमें वो स्कीमें बुरी नहीं है, हम यहाँ सिर्फ नरेगा के हकों की बात करने के लिए आए हैं सर, कि जो नरेगा के हक हैं वो तो हमें मिलने चाहिए ना एक मजदूर को। आज एक मजदूर सुबह जाता है शाम को अपने घर आता है पसीना बहाता है, जबकि एक्ट ये कहते हैं कि जब आपको जो टास्क मिला आपने काम पूरा किया आप अपने घर जा सकती हो, एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है सर, अगर नरेगा का एक्ट पढ़े तो, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होती है वो डेली नया रूल ला देती है कि नहीं शाम को 5 बजे तक बैठना होगा, शाम को 7 बजे तक बैठना पड़ेगा, टाइमिंग बढ़ा देते हैं सर, और आजकल तो अटेंडेंस भी ऑनलाइन कर दी, वो भी दिन में 2 बार लगेगी, एक बार सुबह लगेगी, एक बार शाम को दोपहर बाद लगेगी, दोनों टाइम आपको वहाँ मजदूर मौजूद होना जरूरी है, जिसमें आपकी फोटो भी खींची जाएगी। तो सर जब उसने अपना एक्ट ये कहता है कि आपने अपना काम पूरा किया आप अपने घर जाओ, तो क्यों नहीं जाने देते ये मजदूर लोगों को? इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं सर। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुर्गाराम। कहाँ से आए? राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले से। अच्छा आपको भी नरेगा कार्ड? हाँ नरेगा। तो क्या दिक्कत, क्या समस्या आ रही है? समस्या थी पेमेंट टाइम पर नहीं आता है। तो सरकार फ्री में राशन तो दे रही है? हाँ राशन तो दे रही है। तो फिर उसकी पेमेंट की क्या जरूरत है? पेमेंट चाहिए नहीं, राशन की भी नहीं, थोड़ी डबल डबल खाने के लिए थोड़ी सी और चाहिए नहीं। खाने को जब सरकार दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, फिर क्या चाहिए? गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, कहाँ दे रहा है, 1100 से ऊपर है। क्या गैस में इतना सा उसे राशन से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला उनसे।
आप गांव में आप रहोगे ना तो पता लगेगा आपको, दिखता है अभी कि हो रहा है कुछ कुछ नहीं हो रहा है। नरेगा में जो आज जो मजदूरी वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है और कुछ चारा भी नहीं लोगों के पास में। अगर मान लो कोई गांव में जो रह रहे हैं अगर कोई दूसरी कोई भी चीज़ हो ऐसा कुछ तो चलो ठीक है भाई उनको कुछ काम और मिल जाएगा, लेकिन एक ही चारा है नरेगा और उसको भी ख़त्म करी सरकार। तो उनको सोचना चाहिए यार कि आज मेट्रो के पैसे नहीं आ रहे, एक शर्म की बात है, सोचने वाली बात है। हम मजदूरों साथ में काम करते हैं, हम एक नॉर्मल फैमिली को महीने में कितना खर्च मिलना चाहिए जिससे उसका महीने का खर्चा चल रहा है? कम से कम नॉर्मल फैमिली को कम से कम 15-20 हज़ार तो चाहिए, 15 हज़ार तो कम से कम चाहिए। क्योंकि आज का जो आप जहाँ जो महंगी वाड़ा देखो आप, कहीं अगर कोई सिटी में कोई सामान लेने के लिए कोई जाता है तो भी उसको किराया भी आज लगभग जहाँ पहले 10 रुपये लगता था आज 30 रुपये लग रहा है। तो मजदूर क्या खाएगा क्या कमाएगा, ना कोई मजदूरी है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम तो रात दिन जो फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत दुख भी होता है कि यार आज ये नरेगा में जो ये NMMS जो लागू किया है फोटो कैमरे वाला, उसमें तो कहीं जगह नेटवर्क नहीं आ रहा है और वो बेचारे वहाँ बैठ कर घर जा रहे हैं, उनको पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो एक सोचने वाली बात है। और दूसरा है कि आज मेट्रो का पेमेंट नहीं आ रहा है एक साल से, तो कौन मेट्रो लेना चाहेगा? आज सरकार तो क्या है कि राजनीति में उलझ रही है, उनको लग रहा है कि ये दो नरेगा उसको पार्टी लेकर आई वो लेकर आई और वो पार्टी में रह गई, लेकिन वास्तव में जो आम जो जनता है बहुत वो उनको पता नहीं है कि ये राजनीति में उलझा रहे हैं, लेकिन उस राजनीति के चक्कर वो लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब राजनीति में उलझ रहे, लेकिन उनकी वजह से मजदूर पर असर पड़ रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि और कैसे बेहतर बनाए नरेगा को, उससे कम से कम थोड़ा फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होता है, लेकिन वो तो पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन मजदूरों को गरीबों को पूछ कौन रहा है? क्योंकि जो TV अखबार है मीडिया है सरकार है वो तो लगातार हिंदू मुस्लिम का जो एक एजेंडा खड़ा करके चल रही है ताकि गरीबी पे बात ना हो। हाँ वही आज जो वही बड़ा बड़ा वो दिख रहा है वो जो गलतियाँ हो रही है उसको छिपाने के लिए वो एक तरह से पार्टी में मतलब हिंदुत्व बनाओ, जबकि यहाँ अपने देश में सबको समानता से रहने का अधिकार है, लेकिन वो सरकार उन चीज़ों में उलझा रही है कि वो बोले नहीं। और वो आज का जो युवा है युवा पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको एक तरफ तो कोई बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई रोजगार नहीं है और दूसरी पर ऐसी राजनीति उलझा रही जहाँ हिंसक हो रहे, तो ये सोचना चाहिए उनको कहीं ना कहीं ऐसा रोजगार नरेगा में भी अगर बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो युवा भी उसमें जुड़ेंगे। आज हमें यूनियन के साथ जो काम कर रहे हैं खूब महिला बाहर निकली है, पहले कभी महिला नहीं निकलती थी, आज महिला दिन ब दिन बढ़ रही है और वो पढ़ी लिखी, तो वो उस पर बेहतर करे तो क्यों नहीं वो युवा लोग आएंगे उसमें जुड़ेंगे। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम है आपका? अच्छा आप बताइए क्या नाम है? हरप्रीत। कहाँ से आई हैं? कोयर से। कहाँ से? कोयर से। कोयर से, माल जिले से। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? जी एक तो काम नहीं मिलता, मना पहले कहते हैं 14 दिन काम मिलेगा, 14 दिन के बाद बोर्ड का काम मिलता नहीं है, आई बार न्यू कहते हैं काम मिलेगा काम मिलेगा, काम तो मिलता नहीं और ना पैसे आंदे जी टाइम का। कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ जी। का पेमेंट नहीं हो रहा? ना जी हो नहीं रहा। सरकार तो कह रही है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो फिर पैसों की क्या जरूरत? फिर फ्री में जी राशन राशन आवा फ्री में, राशन में पेट भर जाए, 5 रुपया घर में राशन पेट भर जाएगा, सारी चीज चाहिए घर में। मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में कि हम राशन बांट रहे फ्री में, फिर सभी सब न मिले भी, सब जिम्मेदार न मिला, जिम्मेदार नहीं मिलता तो 100 किलो न मिला और गरीब के नौका क्या बोल रहे। तो और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? बताओ। बाला जी। बाला। कहाँ से आई? करनाल जिले से आ रही जी। हरियाणा। तो क्या समस्या है? आप भी नरेगा कार्ड बनाए, तो क्या पेमेंट नहीं हो रही है, काम नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है?
बस यू अज काम नहीं मिलता कभी दो चार जे तेरह दिहाड़ी मिला कम पेमेंट है ना टाइम पाती यही बात है जी सब करनाल से आए हैं जी गरीब आदमी अजी क्या करा जी इस पैसे में काम नहीं चलता जी चलता जी आपका हिसाब इब कोटा जी सब लेते हैं वह तो है? सरकार तो कह रही है हम फ्री में राशन बांट रहे हैं सिलेंडर बांट देते जी नहीं देते राशन तो सब लेते हैं जी वह तो जी गरीब भी लेते हैं किले वाले भी लेते हैं तो सभी लेते हैं जी हाँ अब इतने में गुजारा नहीं होता जी जो काम किया है उसका कितना मिलता उसका मित्र 280 रुपये इसमें क्या बनता जी एक दिन का हाँ जी इसमें क्या बनेगा जी 280 में क्या बनेगा जी कुछ नहीं बनता जी सब दिन काम करते हैं एक महीने मा जी उसमें तो डेढ़ महीने हफ्ता जी 8 बजे जाऊँ जी फिर 6 बजे आऊँ फिर था बनेगा जी कुछ साथ में परिवार है भी जी परिवार है तो ठीक तो है राशन मिल गया मोदी जी ने दे दिया नहीं होता जी नहीं होता जी नहीं होता जी अब क्या क्या जी काम जी हाँ हाँ पैसे भी चाहिए जी काम भी मिलना चाहिए जी हाँ आप क्या कह रही थी यही है काम चाहिए काम आओगे जी भी तो पीछे आओगे बिना काम के कैसे पैसे आएंगे है? सरकार तो कह रही है कि हमने महिलाओं को जो है उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दिया फ्री में राशन दिया सिलेंडर 1000 रुपए का 1100 रुपए का सिलेंडर है कहाँ फ्री में दे दिया झूठ बोल रहे हैं सरकार सारी झूठ बोल रही है सब झूठी बात है इनके साथ तो वही बात है बड़े बड़े आदमी राह दे गरीब आदमी ने निराह दे ये अभी चुनाव में आंकड़ा आया था कि सबसे ज्यादा मोदी जी को वोट दिया है तो महिलाओं ने दिया है आपने तो दिया नहीं, नहीं आपने नहीं लेकिन महिलाओं ने दिया है क्योंकि महिलाओं का इतना फायदा किया था उन्होंने आम कौन दे ना मत तक कौन दिया कुछ भी ये तो आना ही नहीं चाहिए ये आ गया सारा माटी में हो गया चलिए तो महिलाएं हैं जो नरेगा में काम करती हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 280 230 अलग अलग राज्य के हिसाब से पैसा दिया जाता है उसमें भी उनकी पेमेंट रोक ली जाती है जैसा कि लोगों ने बताया कि पिछले 4 महीने से इनकी पेमेंट नहीं हुई वहीं दूसरी तरफ सरकार संसद में दावा करती कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन फ्री फंड में राशन दिया है अब आप समझिए कि ये आंकड़ा जो है ये गर्व करने वाला है या शर्म करने वाला है कि आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं यानी कि जो बिलो पावर्टी लेवल से नीचे आते हैं आप इसको गर्व समझिए या इसको शर्म समझिए ये आप पर छोड़ते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं जंतर मंतर से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज़ दिल्ली